दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बही खाता में। आज हम आए हैं यहाँ पर प्रजापति कम्युनिकेशन पर, जिसकी लोकेशन है कोरद्वार रोड नदी ओवार बियर मंडी से मिली। तो आइए आज हम यहाँ के ओनर से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना जो है बजाज फाइनेंस के थ्रू अपनी सेल को इंक्रीज किया है और बजाज फाइनेंस का उन्होंने कैसे लाभ उठाया है। हेलो भैया, कैसे हो आप? बढ़िया भैया, आप बताएं कैसे हैं? बस बढ़िया MB, और बताइए। तो जानकारी थोड़ी सी ये चाहिए थी मुझे, जैसे आप यहाँ के डीलर हो इस दुकान के, तो आपने जो है बजाज फाइनेंस को आपने कैसे फाइंड किया, या बजाज फाइनेंस ने आपको फाइंड किया कैसे, मतलब आपने अपना कोड खुलवाया, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। सबसे पहले तो सर, आपका बजाज फाइनेंस कोड खुलवाने के लिए आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रक्रिया मिल जाएंगी। आपको ऑफलाइन करना है तो आपको जो भी आपके क्षेत्र में ऑफिस है बजाज फाइनेंस का, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। उनके जो मैनेजर है उनसे आपको बात करनी पड़ेगी, वो आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। और एक प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन भी है, एक ऑनलाइन फॉर्म आता है बजाज का कोड खुलवाने के लिए, आप ऑनलाइन जाके गूगल पे उसको सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे अपने डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टाइम में आपके पास फोन आएगा मैनेजर का कि आपके दुकान का लोकेशन क्या है, और वो आपको जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपको उनको सबमिट करने पड़ेंगे। उसकी जैसे डॉक्यूमेंट्स में क्या 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 मांगते हैं? उसके डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड प्लस GST नंबर, आपकी मेल ID, मोबाइल नंबर और आपका एक करंट अकाउंट की पासबुक, उसका अकाउंट नंबर मांगेंगे। तो वो आपको अपना रेडी रखना है, जब भी आपको एक कोड खुलवाना है ये चीज़ आपको अपने सॉफ्ट कॉपी में रेडी रखनी है। या आप ऑनलाइन करते हैं तो उसके 2 से 3 दिन आपके पास कॉल आ जाएगी, और आप ऑफलाइन जाते हैं तो आपको बताएंगे आपको कब सबमिट करना है, लेकिन आपको अपने पास ही रेडी रखनी है चीज़ें सारी। और उसके बाद तो कैंसिल चेक वगैरह कुछ तो नहीं मांगते वो लोग? नहीं, कैंसिल चेक नहीं मांगते, लेकिन आपको अपनी दुकान पे जो भी आप फाइनेंस से जुड़ना चाहते हो वो चीज़ का स्टॉक आपके दुकान पे होना चाहिए। अच्छा, स्टॉक दिखाना मतलब जरूरी है? जैसे हम यहाँ पर फोन फाइनेंस करें या फिर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इन्वर्टर वगैरह कुछ भी फाइनेंस करें, उसका स्टॉक अवेलेबल होना जरूरी है? प्लस आपको स्टॉक होना जरूरी है, प्लस बाहर जो आपकी शॉप है उसके लोकेशन में जो भी आप चीज़ बेचते हैं उसको शो होना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ बिकती है। मतलब आप मोबाइल करते हो, मोबाइल की आपको बाहर ब्रांडिंग होनी चाहिए, जैसे ब्रांडिंग वगैरह आपका बोर्ड वगैरह अच्छे से लगा हुआ, ब्रांडिंग बाहर जो भी आप सेल करते हो वॉशिंग मशीन कुछ, उसका ब्रांडिंग आउटलेट जरूर होना चाहिए कि यहाँ पे क्या सेल होती है। तो वो उसके फोटो भेज के वहाँ से वेरीफाई करना पड़ता है। तो आपको फोन भेजना है तो फोन बाहर हाइड होनी चाहिए कि यहाँ अंदर फोन बिकता है, ऐसा नहीं कि बाहर बोर्ड नहीं है, क्योंकि उसके वो लोग फोटो लेते हैं, फोटो यहाँ से क्लिक करके वो अपने ऑफिस में ऊपर ब्रांच में भेजते हैं, वो जब वहाँ से अप्रूव्ड होता है। ये तो ऐसे बोर्ड के ही बहुत ये सब करना पड़ता है, बाहर ब्रांडिंग जरूर चाहिए। ओके भैया, थैंक यू भैया। तो दोस्तों इसी तरह आप भी अपना बजाज फाइनेंस का कोड खुलवा सकते हैं। आप कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह या फ़ोन वगैरह सेल करते हैं तो आप भी अपना बजाज फाइनेंस का कोड इसी तरह खुलवा सकते हैं। और अगर आपको इस बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक या फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, उससे आप कोई भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।